हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स. बेटा, 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.4 रनिंग में है. इस एक्सरसाइज में हम थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके हैं. अब थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट. थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट में चलते हैं. क्लियर? इसमें लेट वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर. इनटू साइन ऑफ लॉग एक्स. बेटा, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो यू इंटू वी फॉर्म अप्लाई करेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो वाई का डायरेक्ट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट एज इट इज. डेरिवेटिव सेकंड. बेटा, साइन थीटा का होता है कोस थीटा. इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा जरूर करें प्लस सेकंड एज इट इज. डेरिवेटिव फर्स्ट. फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल. एक्सपोनेंशियल में तीन स्टेप्स होते हैं. एज इट इज, लोगो बेस क्या होता है वन, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर. क्लियर? अब इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कोस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होगा. इसमें तीनों स्टेप्स आ चुके हैं लॉग वाले फंक्शन के. आपको बता रखे है वन अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ विदेशी वन डेरिवेटिव फंक्शन वन प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स. और इसमें एज इट इज तो हमने लिख ही दिया था, लॉग ऑफ बेस वन होता ही है, और डेरिवेटिव फंक्शन करेंगे तो माइनस ए तो एज ए कोफिशियंट है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू एक्स. बस ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा. ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कोस ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू ए एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स ई रेज टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर. अब इसको आगे एलसीएम लेकर सोल्व करें तो कर भी सकते हैं, नहीं कोई जरूरी नहीं है. इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में. थर्ड पार्ट है लेट वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए रेज टू पावर टू एक्स. ए रेज टू पावर टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन रूट एक्स. साइन रूट एक्स तो मेन टाइप जो काम कर रही है वो है फर्स्ट इंटू सेकेंड. ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले जब टाइप काम करेगी तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आप दोनों तरफ डायरेक्ट करेंगे तो वाई का डायरेक्टिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स. यू इन टू वी फॉर्म लगाएंगे तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड एक बार लिख देते हैं प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट है ए रेज टू पावर टू एक्स. आपने फंक्शन पहचानना है बस, कैसा फंक्शन है वैसा ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर. ए रेज टू पावर टू एक्स ठीक है, यहाँ पर लॉग वाला फॉर्मूला काम करेगा, लॉग ऑफ फंक्शन. तो क्या होता है वन अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ ई विद बेस ई क्या होता है वन, इसलिए हम उसको ना लिखे तो भी काम चलेगा. इंटू डेरीवेटिव ऑफ फंक्शन साइन रूट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन रूट एक्स. ये एज इट इज ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि बेस में कॉन्स्टेंट पावर में वेरिएबल जब भी होता है एक्सपोनेंट. तो एज इट इज लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर. डेरिवेटिव ऑफ पावर टू एक्स का डेरिवेटिव अगले स्टेप में कर देंगे. इसको जब सोल्व करेंगे तो ए रेज टू पावर टू एक्स वन अपॉन साइन रूट एक्स. साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा, और इंटू थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स. साथ ही कर देता हूँ प्लस लॉग ऑफ साइन रूट एक्स
ए रेज टू पावर 2x लॉग ऑफ ए, और 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2। ये था थर्ड क्वेश्चन थर्ड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन फोर्थ पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में क्या है, लेट वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर रूट ऑफ 1 - x² इंटू टेंजेंट एक्स। अब बेटा आप डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज यू इंटू वी फॉर्म काम करेगी, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाली टाइप काम कर रही है, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ई रेज टू पावर रूट ऑफ 1 - x². टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, और एक्स का 1 होता ही है, प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तीन स्टेप होते हैं, एज इट इज लोगो बेस क्या होता है 1, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर रूट ऑफ 1 - x². अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू पावर रूट ऑफ 1 - x² सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ई रेज टू पावर रूट ऑफ 1 - x². ये है पावर, पावर 1/2 है, तो पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1/2, और इसकी पावर हो जाएगी -1/2, क्योंकि हम पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2, और पावर जब नेगेटिव तो उसको बटे में लिख देंगे रूट ऑफ 1 - x², और इंटू में डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का, अंदर फंक्शन है 1 - x². अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू पावर रूट ऑफ 1 - x² सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स ई रेज टू पावर रूट ऑफ 1 - x² 1/2 रूट ऑफ 1 - x², और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -2x। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में। लेट वाई इज इक्वल्स टू x³ ई रेज टू पावर एक्स इंटू कोस एक्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें तीन फंक्शंस का प्रोडक्ट है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तीनों में से एक एक का बारी बारी डेरिवेटिव करते जाएं, बाकी दो प्रोडक्ट में चलते जाएंगे। तो वाई का डेरिवेटिव तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ थर्ड। थर्ड का हो गया, अब सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई में कराए जाएंगे, फर्स्ट एज इट इज थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। सेकेंड का हो गया, फर्स्ट का करेंगे तो सेकेंड और थर्ड मल्टीप्लाई में लिखो, सेकेंड एज इट इज थर्ड एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको सोल्व करेंगे, x³ ई रेज टू पावर एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा -sin x। ध्यान आपका एंगल पर भी होना चाहिए, एंगल क्या है एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, अदरवाइज हम उसको भी करते हैं, प्लस x³ इंटू कोस एक्स ई रेज टू पावर एक्स। में तीन स्टेप होते हैं, एज इट इज लोगो बेस क्या होगा 1, डेरिवेटिव पावर भी क्या होगा 1, इसलिए हम उनको अवॉइड कर दिया। ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3x². क्लियर है, यही आपका रिजल्ट है। अब चलते हैं बेटा इसके सिक्स्थ पार्ट में। इसका जो सिक्स्थ पार्ट है वो है लेट वाई इज इक्वल्स टू, फंक्शन को या तो वाई ऑफ एक्स तो मानना ही पड़ेगा, लॉग ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स प्लस x². क्लियर है, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड ये टाइप काम कर रही है, यू इंटू वी भी आप जिसको बोल देते हैं। तो वाई का डेरिवेटिव तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ सेकेंड ए रेज टू पावर टेंजेंट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड एज इट इज e रेज टू पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव फर्स्ट, फर्स्ट आपके पास क्या है log of x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो log of x एज इट इज, ये है एक्सपोनेंशियल, इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, एज इट इज इंटू log of बेस वन होगा इंटू डेरीवेटिव पावर, पावर आपके पास है टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में e रेज टू पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें तीन स्टेप्स होते हैं, वन अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ विद्वेशी क्या होगा वन, और डेरिवेटिव फंक्शन भी क्या होगा वन, क्योंकि जहां पर कुछ भी बेस नहीं होता वहां पर नेचुरल बेस e अंडरस्टूड होता है। अब बेटा इसको अगले स्टेप में जब सोल्व करेंगे तो लॉग ऑफ x e रेज टू पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर और टेंजेंट x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंट स्क्वायर x प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और इन टू वन बाई एक्स एज इट इज, क्लियर। बस यही रिजल्ट है। इसके बाद चलते हैं सेवंथ पार्ट में। सेवंथ पार्ट है बेटा वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स इन टू टेंजेंट एक्स, तीन फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड एज इट इज इंटू डेरीवेटिव ऑफ थर्ड, थर्ड का डेरिवेटिव हो गया। अब सेकेंड का करेंगे, सेकेंड का करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज थर्ड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस, अब फर्स्ट का करेंगे तो सेकेंड और थर्ड एज इट इज, सेकेंड एज इट इज थर्ड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ई रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ रूट एक्स टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, लॉग के अकॉर्डिंग करेंगे तो वन अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ विद्वेशी क्या होगा वन और डेरिवेटिव फंक्शन हो जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस लॉग ऑफ रूट एक्स एज इट इज टेंजेंट एक्स एज इट इज और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होगा। इसके तीनों स्टेप्स आ चुके हैं, एज इट इज लॉग ऑफ बेस डेरिवेटिव पावर, क्लियर। बस बेटा यही रिजल्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, लेट वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो मेन टाइप काम करेगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये टाइप काम कर रही है, ठीक है। तो ये टाइप काम कर रही है तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव तो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज न्यूमरेटर एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो डिनोमिनेटर तो जाएगा एक्स रेज टू पावर फोर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज
इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यू इंटू वी फॉर्म काम करेगी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट। मैंने सीधा बेटा डेरिवेटिव कर दिया है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव के भी तीन स्टेप्स होते हैं आपको पता है, बता रखे हैं बार बार, ठीक है। ई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट इज, और ये है पावर, पावर के अकॉर्डिंग करेंगे तो पावर तो आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो वन वन पावर लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अब आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एक्स आएगा उस एक्स से ही एक्स कैंसिल, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस टू एक्स ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर फोर। आप ऊपर से एक्स कॉमन ले सकते हैं और एक पावर कैंसिल हो जाएगी, वो आपका बेटा रिजल्ट हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में, ये तो आप खुद ही कर लेंगे, ऊपर से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक एक्स कैंसिल करेंगे, नीचे थ्री पावर बच जाएगी, ठीक है, और करें तो कर भी सकते हैं यहीं पर। दिस इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2x log x e रेज टू पावर x और डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स क्यूब, और आप इनको ऐड करें तो 3x हो जाएगा, क्लियर है। ये था बेटा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। e रेज टू पावर x भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा, बीच में बेटा माइनस आती है, यहां पे माइनस आती है, क्लियर, यहां पे माइनस आती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, y is equals to e raised to power x divided by 1 plus sin x। अब आप मेन टाइप है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का तो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर u अपॉन v फॉर्म काम करेगी, तो डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर है। एक लाइन का क्वेश्चन बचे है, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, e रेज टू पावर x के डेरिवेटिव में तीन स्टेप होते हैं, तीन वाली है, एज इट इज लोगो बेस क्या होगा 1, डेरिवेटिव पावर भी 1 माइनस e रेज टू पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 और sin x का क्या हो जाएगा cos x, 0 प्लस cos x, cos x ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, ऊपर से e रेज टू पावर x आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस sin x माइनस cos x, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर भी मेन टाइप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, जिसको आप यू अपॉन वी भी बोल देते हैं, ये फॉर्मूला, तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बीच में लगती है माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज
और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन इंटू ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वन इंटू ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर। आप ऊपर से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास होगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर। ये टर्म्स कैंसिल होगी तो आपके पास हो जाएगा माइनस टू इंटू ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वेयर। ये था थर्ड पार्ट। इसके बाद चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है? लेट वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर एक्स क्यूब। अब मेन टाइप यू अपॉन वी है जिसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स, डिनोमिनेटर का होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस न्यूमरेटर एज इट इज लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपके पास है लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर एक्स क्यूब। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स का वन बाई एक्स, इसका हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब और इसका हो जाएगा वन बाई एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर। अब ऊपर से एक्स एलसीएम आ जाएगा तो आपके पास क्या हुआ लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर एक्स क्यूब इंटू वन माइनस ट्वेल्व एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब इंटू वन प्लस ट्वेल्व एक्स क्यूब और एक्स दोनों जगह से एलसीएम आया था वो हम नीचे लिख देते हैं और यहाँ पर है लॉग ऑफ एक्स प्लस फोर एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर। अब बेटा आप इसके अंदर ब्रेकेट और सोल्व कर लेना, ठीक है? इतना ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू।